ये कुछ एंड दो चूड़ी। और बाल की बात करें तो अभी मेरे बाल गीले हैं तो मैंने खुले रखे हैं, बट आप इसमें बाल खोल के भी रख सकते हो। बहुत प्यारी सी लग रही है, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी आप पहन सकते हो, और साड़ी के साथ तो जूड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। एंड सी माय नेल पेंट, नॉट येट डन। गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम दीक्षा गौतम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आप भी सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे बिकॉज आई एम इन शिमला खलीनी। तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो आई होप आप जहाँ पे भी होंगे, जिस भी सिटी में होंगे, आप सेफ होंगे। तो आज का जो ये वीडियो था, एक्चुअली आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। तो मेरे पास अपनी मदर की साड़ी थी, सो दिस इज़ द साड़ी। बहुत ही प्यारा रानी कलर है ये एक्चुअली, और जो आपका थोड़ा बनारसी लुक आता है ना, बनारसी जो साड़ियाँ होती है और सिल्की जैसी साड़ी है, और इसमें थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है एक्चुअली वीडियो में, ये एक्चुअली रानी कलर है। तो मैं बहुत टाइम से चाहती थी मैं ये वीडियो बनाऊँ और पहनूँ, और सो फाइनली और मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, तो मेरी बहन है तो वो ये साड़ी पहनाएगी। तो मैं देखती हूँ ये साड़ी का लुक कैसा लगता है, और बिकॉज अभी फंक्शंस आने वाले हैं, अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर में बहुत सारे फंक्शन हैं, एंड इफ़ आई फील अच्छी लगती है मुझ पे साड़ी, तो इस साड़ी को हम आगे भी वेयर कर सकते हैं। तो हेयर भी है, और ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है, इसमें सिर्फ आपका जो बॉर्डर है ना, ये आपका इसमें बॉर्डर है, और अदरवाइज ये बिल्कुल प्लेन है, तो बहुत गर्लिश सा लुक भी देती है। और इसमें ना मम्मा का ब्लाउज था तो मैंने ट्राई किया था, तो मुझे वो एकदम उसकी फिटिंग एकदम सही आ गई है, ठीक है, पहले नहीं आती थी। तो लेट मी ट्राई, अगर मुझे उसी ब्लाउज के साथ ये अच्छा लगता है, बिकॉज वो पहले वाले ब्लाउज बहुत अलग से बनते थे, और लेट मी चेक एंड आपको भी बताती हूँ माई दिस लुक। तो सो दैट आपके भी अगर मदर की साड़ी पड़ी है तो आप भी वेयर कर सकते हो। तो चलो आपको पहन के दिखाते हैं। तो गाइज ये ना मैंने अभी साड़ी पहनी नहीं है, जस्ट यूं ही वो कर दिया है। तो ये है मेरी बहन जो कि मुझे साड़ी पहनाएगी, और बहुत अच्छी साड़ी पहनाती है, स्कूल में भी जब कुछ फंक्शन होता था। तो अभी हम आपको साड़ी थोड़ा सा पहना के दिखा देते हैं फटाफट करके, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ जो थोड़ा सा मेकअप एंड ऑल करेंगे वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माइन, एंड मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं एक्चुअली ज़्यादा, तो मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा दी,
कि ब्लू ग्रीन से कलर की है कुछ, एंड दो चूड़िया, बट बहुत प्यारी सी लग रही है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी आप पहन सकते हो। और अगर एक्सेसरीज की बात करूँ अभी ना, मैं एक्चुअली लाना भूल गई हूँ यहाँ पे, तो आप बहुत कोई लाइट सा अगर आपके पास ज्वेलरी का सेट है, जस्ट कोई नॉर्मल सिंपल सा, नॉट दैट हैवी वन, वो पहन सकते हो। और बैंगल्स अभी है नहीं, बट ऑफकोर्स रानी कलर की ना आजकल बहुत, जैसे बैंगल्स है कि कलर ऐसा नहीं है कि कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो रानी कलर का एक सेट बना सकते हो एंड वो कैरी कर सकते हो। और बाल की बात करें तो अभी मेरे बाल गीले हैं, तो मैंने खुले रखे हैं, बट आप इसमें बाल खोल के भी रख सकते हो। और साड़ी के साथ ना जूड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। एंड सी माई नेल पेंट नॉट येट डन, बट कलर तो मैच नहीं कर रहा है, बट है तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। और किस तरीके से पहनाई है वो मुझे नहीं आती है, वरना मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करती। तो आपको एक फाइनल सा लुक दिखा देती हूँ अपना, ये जो भी है विद बिंदी एंड विद चूड़िया एंड विद जो भी मैंने कैरी किया है। और हील्स भी आपको फॉर श्योर कैरी करनी ही पड़ेगी अगर आपने साड़ी पहनी है, क्योंकि विदाउट साड़ी, विदाउट हील्स आप साड़ी कैरी नहीं कर सकते हो। तो आपको एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ। गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस होल लुक ऑफ माइंड। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा आपको ये लुक, ये कलर, बिकॉज मुझे ना रानी कलर आजकल बहुत ज्यादा, जैसे होता नहीं कोई समरी में कोई कलर चल पड़ता है, तो आई थिंक दिस इज कलर ऑफ द ईयर। तो आप भी जरूर बताइएगा कि ये बनारसी साड़ी मुझ पर कैसे लगी, और आप चाहते हैं कि इस टाइप की भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वैसी भी जरूर बनाऊंगी, बिकॉज मैं नॉर्मली ट्रेवल वीडियोज बनाती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू, एंड प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।